तो दोस्तों, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ये कोई छोटे या बड़े नहीं होते हैं। अब इनका छोटा या बड़ा होना इस बात पे निर्भर करता है कि आपके पास क्या हल है, क्या सॉल्यूशन है उन प्रॉब्लम्स से, उन चैलेंजेस से डील करने का। तो कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं है, सारी की सारी चीज़ें आसान है, बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। हेलो एवरीवन, स्टडीएस में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है नवंबर 27, 2018 और डे है ट्यूसडे। न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं, पर पहले आज का सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे आप सबके लिए, मैच द फॉलोइंग है। आपको बताना है कि कौन सी एक्सरसाइज कहां पर होती है। 1, 2, 3, 4 लिखे हुए हैं, माइलेक्स 2018, मैथ्री, लेमाइट 8, हैंड इन हैंड, और ए बी सी डी लिखी हुई है, ए थाईलैंड, बी बिमस्टेक, सी चाइना या डी सेशेल्स। और जो ऑप्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से ऑप्शंस पढ़ के अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू से। तो जो पॉलिटिकल जो न्यूज़ हैं उन्हें, न्यूज़ को मैं अवॉइड करूंगा, सिर्फ एग्जाम रिलेवेंट हम लोग न्यूज़ कवर करेंगे। जैसे करतारपुर कॉरिडोर से रिलेटेड जो न्यूज़ थी कि उसका कल इनॉग्रेशन होना था, जितनी भी डिटेल्स थी उसके बारे में वो मैंने कल की वीडियो में कवर कर ली थी। इसके साथ 26/11 से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पर पॉलिटिकल न्यूज़ आई हैं, पर उनको हम लोग अवॉइड करेंगे, ओके, क्योंकि हमको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली खबर के साथ। पहली खबर आ रही है ओडिशा से और ये लिंक करती है यहाँ पे पब्लिक बाइसिकल से। जल्दी से न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ यहाँ पे बात कर रही है नवीन पटनायक, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं ओडिशा के। उन्होंने लॉन्च किया एक पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम। तो ये बेसिकली जो शेयरिंग सिस्टम है, इसकी मदद से जो ट्रैफिक कंजेशन है ओडिशा के अंदर उसे कम किया जा रहा है, और यहाँ पे जो स्पेस एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, जो एयर क्वालिटी होती है, जो पॉल्यूशन की वजह से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे देश में वो है एयर क्वालिटी का ख़राब होना, उसको बेहतर बनाया जाएगा भुवनेश्वर के अंदर। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम, जो ये पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम है, इसका नाम है मोसाइकल। नेम याद रखने हैं, कई बार पूछा जाता है कि जो मोसाइकल सिस्टम है वो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है। तो इसके लिए अगर आप लोग ओडिशा के अंदर हैं, भुवनेश्वर के अंदर हैं, तो आपको मोसाइकल एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे और उसके बाद आप भी मजे ले सकते हो इस पर्टिकुलर बाइसिकल राइड का। इसके साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग इनिशिएटिव है ये पहला इनिशिएटिव है हमारे देश में। सबसे पहले इसी तरीके का इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था मैसूर के अंदर। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो वहाँ पे इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था और उस इनिशिएटिव का नाम था ट्रेन ट्रेन, TRIN, जो बाइसिकल की साउंड होती है। तो ट्रेन ट्रेन कहाँ का है? कर्नाटका का है। और इस तरीके से जो मो साइकिल है वो है ओडिशा का। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बात हो रही है वाटर सरप्लस स्टेट के बारे में। देखो, जैसे हमारी एनर्जी सरप्लस स्टेट्स होती हैं, जहाँ पे जिन जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं और दूसरी स्टेट को यहाँ पे एनर्जी देती हैं, इसी तरीके से वाटर सरप्लस स्टेट्स भी होती हैं, जिन स्टेट्स के पास जो पानी की मात्रा है उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है। कुछ वाटर डेफिसिट स्टेट्स होती हैं जिनके पास जो पानी की मात्रा है उनकी रिक्वायरमेंट से कम होती है। बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। आंध्र प्रदेश की ये न्यूज़ है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू जी, उन्होंने बोला है कि बहुत ही जल्द आंध्र प्रदेश बन जाएगा एक वाटर सरप्लस स्टेट, और ये एक्सपेक्टेशन है कि मई 2019 तक वाटर सरप्लस स्टेट बन जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और वो कंप्लीट करने वाले हैं 62 मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हो रही थी तब हो रही थी जब फाउंडेशन स्टोन रखा गया पहले फेज का ऑफ द गोदावरी पेन्ना रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। बात करते हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। मतलब हम लोग जो रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, उनको आपस में लिंक कर रहे हैं। लिंक करने की ज़रूरत क्या है? देखो भाई, देश में कुछ जगह पर ज़्यादा पानी है, कुछ जगह पर कम का पानी है। तो जिन नदियों में ज़्यादा पानी है उन नदियों से पानी हम लोग, जिन नदियों में कम पानी है उनके अंदर लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो ड्रॉट लाइक जो सिचुएशन हो जाती हैं, फार्मर्स सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, उनको रिजॉल्व आउट करा जा सके। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो मैक्सिमम जो इंटरलिंकिंग हो रही है वो हमारी जो पेरिनियल रिवर्स है उनके साथ हमारी पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में हो रही है। जो हमारी नॉर्दर्न रिवर्स हैं जिनके पास पानी की मात्रा ज़्यादा है, एक तो वो हिमालयाज से कनेक्टेड हैं, और दूसरा रीज़न जो मानसून का इफेक्ट है वो नॉर्दर्न पोर्शन में ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला जो इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था वो था केन बेटवा वाला।
अब केन बेटवा इंटर रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को ही बेनिफिट पहुंचा रहा है, पर एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर, जो हम लोगों ने केन बेटवा वाले प्रोजेक्ट के अंदर ऑब्जर्व करी थी। जो हमारा पेन्ना टाइगर रिजर्व है उसको 10% सबमर्ज कर दिया है इस पर्टिकुलर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ने, तो एक नेगेटिव चीज़ है इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पे बात कर रही है पेज नंबर 6 पे, यहाँ पे बात हो रही है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के बारे में। तो हमारे देश में और पूरी दुनिया में चल रही है #MeToo कैंपेन, जिसके अंदर जो महिलाएं हैं जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हुई है वो अपनी उस चीज़ को, अपने एक्सपीरियंसिस को, उनके साथ जो भी चीज़ हुई है, जो घटना हुई है, उसको पूरी दुनिया के सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पहुँचा रही हैं। यहाँ पे बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो। यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा हो गया कि जो हमारे देश में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 है, क्या उसके अंदर जो गाइडलाइंस हैं, जो चीज़ें हैं, वो अच्छी तरीके से काम कर रही हैं या नहीं। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, वो थी विशाखा गाइडलाइंस ऑफ 1997, ये मैं डिस्कशन में ले चुका हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 के ऊपर। उसके अंदर एक चीज़ मेंशन है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसके अंदर 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनमें से कुछ महिलाएं भी हैं, तो वहाँ पर बनानी पड़ेगी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। अब ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी क्या करेगी, अगर किसी भी महिला को सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो वो इस कंप्लेंट्स कमेटी के पास जाकर शिकायत कर सकती है 3 महीने के अंदर अंदर। और ये जो कंप्लेंट्स कमेटी है इसे भी 90 डेज के अंदर अंदर अपना जो वर्डिक्ट है, जो इंक्वायरी है, उसे पूरा करके देना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो उसके बाद यहाँ पे पुलिस के पास जाया जा सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, आज के आर्टिकल में भी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के बारे में बात हो रही है। बात हो रही है कि हमारी जो यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है मेनका गांधी जी, उन्होंने अपने जो कैबिनेट कलीग्स हैं जैसे राजनाथ सिंह हैं और जेपी नड्डा जी हैं, उनको यहाँ पे रिक्वेस्ट करी कि आप लोग भी जो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी का गठन करना जरूरी कर दो। अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, मैंने आपको बताया #MeToo कैंपेन की वजह से। साथ ही जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को भी बोला, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो हमारी फिक्की है उसको भी रिक्वेस्ट करी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया उनको भी रिक्वेस्ट करी, जो हमारे प्रिंट मीडिया हाउसेज हैं या मीडिया हाउसेज हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, फिल्म इंडस्ट्री हैं, उनको भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करी कि आप लोग भी अपने अपनी जगह पर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन करें। साथ ही यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी बोला गया कि आप भी इसी तरीके की कमेटीज का गठन करें और जल्द से जल्द गठन करें। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे बात हो रही है माता वैष्णो देवी टेंपल के बारे में। अब न्यूज़ क्या है जल्दी से देख लेते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पे बात हो रही है मूल्स के बारे में। तो मूल्स को हम लोग हिंदी में खच्चर के नाम से जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी से ये पूछा है कि जो मूल्स की जो संख्या है, जो खच्चरों की जो संख्या है, जो मात्रा है, वो क्यों कम हो रही है। आपने जो बोला था हम लोग जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैक्स का इस्तेमाल करेंगे, कब आप उसका इस्तेमाल करने वाले हो, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला सिस्टम है वो कब इम्प्लीमेंट होगा माता वैष्णो देवी श्राइन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और यहाँ पे जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है उसको बोला है कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर जल्द से जल्द हमको रिप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे बेंच बैठी थी जस्टिस MB लोकर दीपक गुप्ता जी की, और उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए कि यहाँ पे क्या होता है जब यहाँ पे जो खच्चर होते हैं, जो मूल्स होते हैं, वो मर जाते हैं, उसके बाद उन्हें बहुत ऊंचाई से ही डंप कर दिया जाता है रिवर के अंदर, उसकी वजह से पॉल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पे दो इफेक्ट हैं, पॉल्यूशन भी हो रहा है और ऊपर से वो मर क्यों रहे हैं, इस चीज़ के बारे में भी हम लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे बात हो रही थी कि जो प्लास्टिक्स हैं उनको RFID टैग दिया जाए, यहाँ पे बात हो रही थी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात किया जाए, तो उससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर आर्टिकल था। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो मूल्स हैं उनका जो नंबर है वो रिड्यूस हो गया है, वो 4600 थे और 2500 ही आज की डेट में रह गए हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा इशू सामने आ गया है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यहाँ पे खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने देखा होगा कभी कि किस तरीके से ले जाए जाते हैं, नहीं देखा तो आप अपनी स्क्रीन पे पिक्चर पे देख सकते हो। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे बात होने वाली है
डोमेस्टिक वर्कर्स की। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है जो वर्कर्स हम लोगों के घरों में काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स, उनके बारे में। देखो क्या होता है, उन लोगों के पास कोई भी मिनिमम वेज का क्राइटेरिया नहीं होता है। जो लोग उन्हें एम्प्लॉय करते हैं वो अपने हिसाब से उनसे डील करके पैसों की बता देते हैं कि हम इतने पैसे देंगे, आपको इतना काम करना पड़ेगा। और कभी कभार कुछ जगह पे उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, वायलेंस भी सफ़र करना पड़ता है, कोई उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। एक स्क्रीन पे आपकी एक पिक्चर आ रही है, लिखा हुआ है साडा हक एथे रख। बात वही कह रही है कि लो भाई कर लो बात, काम है हज़ार पर तनख्वाह और छुट्टी की बातें बेकार। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सबका अधिकार है। और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये पर्टिकुलर निकाला था अभी जून 2018 के अंदर। तो यहाँ पे न्यूज़ की बात कर लेते हैं, न्यूज़ क्या कह रही है। न्यूज़ ये कह रही है PIL urges minimum wages for domestic workers। तो यहाँ पे बात हो रही है एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गई सुप्रीम कोर्ट के पास, जो कि कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, दखलअंदाजी करनी चाहिए, जिससे जो इंडिया की जो इनविजिबल वर्कफोर्स है, जिनको कहीं भी कंसीडर नहीं किया जाता है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उनके बारे में, उनकी जो सिचुएशन है उनके बारे में। यहाँ पे बात हो रही है कि जो सबसे बड़ी इशू है वो ये है कि जो क्लासिसिज्म है, जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं उन्हें फॉलो किया जा रहा है, इस वजह से उनकी जो हालात है वो नहीं सुधर पा रही है। लैक ऑफ एजुकेशन है जिस वजह से वो डोमेस्टिक वर्कर्स बनते हैं, और उन्हें अब्यूज़ और वायलेंस का भी सामना करना पड़ता है जो भी प्लेसमेंट एजेंसीज या एम्प्लॉयर्स उन्हें एम्प्लॉय करते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे सामने रखे कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए। देखो आप देखोगे इस पिटीशन के अंदर एक बहुत ही बड़ा नंबर ये लगा बताया है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स की जो संख्या है वो 120% से बढ़ गई है आफ्टर द लिबराइजेशन। तो जब 1992 वाला जो प्रोसेस हुआ उसके बाद जो संख्या है वो बढ़ गई। देखो इसका एक बहुत बड़ा कारण आप ये देख सकते हो, देश में जब भी पैसा आता है लोगों के पास तो वो लोग क्या करते हैं, लग्जरी आइटम्स लेने की कोशिश करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपने काम को आसान करने के लिए यहाँ पर रिक्रूट करने का कोशिश करते हैं एम्प्लॉय इसको। तो वही चीज है, वही चीज यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहीं पे उसी चीज को बताया जा रहा है कि 1991 के अंदर 7,40,000 डोमेस्टिक वर्कर्स थे और 2001 के अंदर 16.6 लाख हो गए हैं। अगर आज की बात करें, 2011 की बात करें, तो ये जो संख्या है 16.6 लाख वाली, ये कम से कम 3 से 4 गुना तो हो ही गई होगी। बात यही हो जा रही है कि यहां पर उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, उनको सारी की सारी चीजें मिलनी चाहिए मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर, क्योंकि कुछ जगहों पर उनको 8 घंटे से भी ज़्यादा काम कराया जाता है और उन्हें छुट्टी भी नहीं दी जाती है। तो ये उनका बेसिक राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, तो उनको इसका पूरा का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा कहना है PIL का। और बहुत ही जल्द शायद सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ध्यान देगी और कुछ गाइडलाइंस हम लोगों के सामने रखेगी। यहाँ पे बात करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, बात हो रही है इनक्रेडिबल इंडिया की। तो इनक्रेडिबल इंडिया टैगलाइन है, हमारे देश का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी मदद से हम लोग हमारे टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है असम के बारे में। देखो असम में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, असम के वन हॉर्न राइनोस फेमस हैं। तो जो वन हॉर्न राइनोस हैं उनका जो रिलेशन है वो अफ्रीकन राइनोस से भी है, पर जो अफ्रीकन राइनोस होते हैं वो 2 हॉर्न्स होते हैं, पर इंडिया में ही सिर्फ यहाँ पे वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं और उनकी भी सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क में हम लोगों को देखने को मिलती है, जो कि असम के अंदर है। तो इनक्रेडिबल इंडिया के अंदर असम का एक तरीके से आप कह सकते हो सिंबल के रूप में हम लोग वन हॉर्न राइनो को ही देखते थे, पर यहाँ पे एक नई न्यूज़ हमारे सामने आई है, डिटेल ले लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत दिन हमने इस्तेमाल कर ली है फ़ोटो वन हॉर्न राइनो की असम के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, इनक्रेडिबल इंडिया को प्रमोट करने के लिए, पर यहाँ पे अब इस्तेमाल किया जाएगा तवांग मोनेस्ट्री का इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है उसके बारे में बात हो रही है कि तो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन को प्रमोट करने के लिए अभी तक हम लोग वन हॉर्न राइनोस का इस्तेमाल करते थे, पर अब यहाँ पे तवांग मोनेस्ट्री जो कि अरुणाचल प्रदेश की मोनेस्ट्री है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तवांग मोनेस्ट्री यहाँ पे बुद्धिज़्म से रिलेट करती है, खासकर महायान बुद्धिज़्म से। इसके बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड डिटेल दे देता हूँ आप सबको। देखो जो हमारी तवांग मोनेस्ट्री है वो तवांग सिटी ऑफ तवांग डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। ये चीज़ याद रखना, कल हम लोगों ने इनर लाइन परमिट के बारे में एक सवाल डिस्कशन में लिया था। अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। देखो, जो तवांग मोनेस्ट्री है वो इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और पूरी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। जो सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है वो है पोटाला पैलेस इन ल्हासा, तिब्बत। तो यहाँ पे इसे तिब्बतियन के अंदर गार्डन नामग्यांग ल्हासे के नाम से जानते हैं और इसको बनवाया गया था ऑन द विशेज ऑफ फिफ्थ दलाई लामा, जिनका नाम था नकाबांग लोपसांग गोत्सो। देखो, यहाँ पे ये जो मिनिस्ट्री है इसको फाउंड किया गया था 1680s और 81 के अंदर बाय अ मॉन्क जिनका नाम है मेरांग लॉन्ड्रे गैत्सो, जो कि बिलोंग करते हैं गेलुक सेक्ट से, जो कि फोर्थ दलाई लामा के बाद आए। और गेलुक सेक्ट से ही जो सारे लोग बिलोंग करते हैं जो कि तवांग मिनिस्ट्री से करते हैं, जिन लोगों को फॉलो किया जाता है उन्हीं को हम लोग यहाँ पे दलाई लामा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो मॉन्क थे मेरांग लॉन्ड्रे गैत्सो, उनको एक पेंटिंग दी गई थी जो थी गॉडेस पालदेन लामो की। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक स्टैचू इसके अंदर बनवाई जो कि 8 मीटर हाई गिल्डेड स्टैचू है लॉर्ड बुद्धा की, जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ भी बहुत है कि 1962 के अंदर चाइना ने अटैक किया था तवांग के अंदर, वो कुछ सीक्रेट्स निकालना चाह रहे थे कि शायद इस मोनेस्ट्री के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। देखो, यहाँ पे जो उपाधि है दलाई लामा की वो स्पिरिचुअल लीडर को दी जाती है। आज की डेट में आप जिन दलाई लामा को देखते हो वो 14th दलाई लामा है, और जो करंट दलाई लामा है हमारे उनका नाम है तेंजिंग गात्सो। तो गात्सो सेक्ट से वो बिलोंग करते हैं, महायान बुद्धिज्म का एक सेक्ट है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बात हो रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में। देखो, कल 26th of November को हम लोगों ने बनाया अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हम लोगों ने, हम प्रैम्बल पढ़ोगे उसमें वी द पीपल वाला, उसके अंदर आपको सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ मिलेगा कि हम लोग अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं, अपने आप को देखते हैं, वी गिव टू आवरसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिस डे। द डे इज 26th of November 1949। तो इसीलिए उस दिन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे देश के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल, यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कुछ बातें कही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आप कहीं भी कोट कर सकते हो, उनको एक बार देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं नोट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी ने कही कि हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एथिक्स और मोरालिटी हमारे संविधान में मेंशन है हम लोग उन्हें फॉलो करें। यहाँ पे हम लोग जो कियोस वाली सिचुएशन है उनसे डील करने के लिए हमें हमारे संविधान में जो मेंशन चीज़ें हैं, जो एथिक्स मेंशन है, उनको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डे का फंक्शन चल रहा था जहाँ पे सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पे चीफ जस्टिस ने एक और चीज़ बोली कि यहाँ पे जो वॉइस है, जो आवाज़ है मार्जिनलाइज सिटीजन्स की, जो माइनॉरिटी की आवाज़ है, उसको भी उतना ही सुनना पड़ता है जितना मेजॉरिटी की आवाज़ को सुनना पड़ता है। साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई कि जितने भी विजडम है, बातें हैं संविधान के अंदर जो लिखी हुई है, वो हमें क्राइसिस और स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन में हमें आगे बढ़ाने का काम करती हैं, हमें एक सोल्यूशन देती हैं, हमें गाइड करती हैं, और उनकी गाइड को लेना हमारे लिए सबसे बड़ी बेस्ट एडवाइस है। यहाँ पे जस्टिस कुरियन जोसेफ ने बोला कि इंडिया के जो डाइवर्सिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के जो एथिक्स हैं, वही इंडिया को सबसे ग्रेट देश बनाते हैं, ग्रेटेस्ट नेशन बनाते हैं हमारे भारत को। यहाँ पे बात हुई कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने बोला अपनी स्पीच के अंदर एक चीज़ कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनको भी एक कॉन्सेंसस पे पहुंचना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से लिंक करते हुए। प्रेसिडेंट कोविंद ने एक चीज़ बात सामने रखी कि ये जो हमारा संविधान है वो मॉडर्न स्क्रिप्चर है ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में बात हुई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें जुडिशरी, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इन सारे के सारे जो हमारे तीन बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं उनके बीच में, जो हमारे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उनके बीच में एक फ्रेटर्नल और पैरेलल रिलेशनशिप होना चाहिए। यहाँ पे बात हुई कि जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, उसमें थोड़ा सा इनोवेशन की ज़रूरत है। जैसे हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस की, जिसके अंदर अब हम लोग ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है हमें, ठीक है, कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर। साथ ही जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं,
उनमें अनफॉर्चुनेट अकरेंस हो जाता है। अब आप देखोगे जो नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं वो दिन पर दिन कम होती जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई। तो हमारे संविधान के बारे में बात की गई, यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है सरकार को, एक पिटीशन से रिलेट करते हो कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर अभी रिसेंटली 2018 के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, उसमें कुछ अमेंडमेंट से रिलेटेड यहाँ पे PIL लगाई गई। अब यहाँ पे सरकार को रिप्लाई करना है उस PIL से रिलेट करते हुए। सबसे पहले डिस्कशन में आपके लिए जल्दी से ले लेता हूँ कि क्या क्या रिसेंट अमेंडमेंट आए थे। तो आपकी स्क्रीन पर आ रही है पिक्चर, वहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारा नया वाला जो ग्राफ्ट वाला बिल था उसने सबसे पहले ब्राइबरी से रिलेटेड चीज़ें करी। तो यहाँ पे अब क्या हुआ है, ब्राइबरी इज़ नाउ एन ऑफेंस। अब ब्राइबरी एक ऑफेंस है जो कि पनिशेबल ऑफेंस है, 7 साल की आपको जेल हो सकती है अगर आप किसी को भी ब्राइब करने की कोशिश करोगे, एक्सेप्ट वेन वन इज़ फोर्स टू गिव अ ब्राइब। यहाँ पे ब्राइब को एक अनड्यू एडवांटेज के रूप में लिया गया है। पहले क्या था, कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था एक्सेप्ट एबेटमेंट। दूसरा यहाँ पे है प्री इन्वेस्टिगेशन अप्रूवल। तो यहाँ पे अगर किसी भी सरकारी अधिकारी के ऊपर कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलेगा यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर, तो उससे पहले यहाँ पे प्रोब चालू हो जाएगा। तो उससे पहले जो रेलिवेंट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे यहाँ पे एक प्रोब एक इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी। पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता था पर, और पहले जो इनेबल प्रोविजन आया था उसको स्टक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ साथ कुछ सैंक्शंस लगाए गए फॉर प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल मिसकंडक्ट के ऊपर यहाँ पे बात की गई, और यहाँ पे फॉरफीट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात भी की गई कि यहाँ पे जो सेक्शन है इसको नया सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जा सकता है, कन्फिस्केट कर दिया जा सकता है। बात कर लेते हैं आज की न्यूज़ के बारे में कि PIL किस चीज़ के बारे में लगी, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं नोट्स। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है दो अमेंडमेंट से रिलेट करते हुए, तो जो इंट्रोडक्शन किया था सेक्शन 17A1 का जो मैंने आपको बताया कि प्रायर परमिशन अब जरूरी है, उससे रिलेटेड है कि यहाँ पे लगाया है। और दूसरा है यहाँ पे रिमूव कर दिया था सेक्शन 13(1)(d)(2) जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट से डील करता था। तो इन दोनों के ही खिलाफ यहाँ पे एक PIL लगी और यहाँ पे सरकार को 6 हफ्ते के अंदर रिप्लाई करना है। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देश के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने वाले हैं सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा जी December 2nd को यहाँ पे ग्रहण करेंगे अपना पद। यहाँ पे रिलेट करते हैं इस न्यूज़ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेट करते हुए कुछ बेसिक न्यूज़ के साथ। तो स्क्रीन पे आ रहे हैं आपके PPT, यहाँ पे बात हो रही है इलेक्शन कमीशन के बारे में। जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो एक परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू इस्टेब्लिश की जाती है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके पास काम है हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 324 है वो प्रोवाइड करता है पावर ऑफ सुपर टेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सिर्फ यही इलेक्शन कराने का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन का है। याद रखना हमारे देश में स्टेट इलेक्शन कमीशन भी हैं जिनके पास काम है कि वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराती हैं, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होती हैं। इलेक्शन कमीशन एक ऑल इंडिया बॉडी है क्योंकि आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, मतलब जो यहाँ पे आप कह रहे हो जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, वो यहाँ पे कराती है, के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराती है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के जो यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, असेंबलीज़ के जो इलेक्शन होते हैं, वो भी हमारी इलेक्शन कमीशन कराती है। इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है, पहले सिंगल मेंबर थी पर अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे हो गई मल्टी मेंबर। तो अब यहाँ पे 3 मेंबर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, और सबके पास इक्वल पावर होती है, इक्वल सैलरी होती है। इसके ऊपर भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं, बातचीत हो रही है कि यहाँ पे पावर्स और सैलरीज अलग अलग होनी चाहिए। उनके ऊपर भी अभी कोई नई चीज़ नहीं आई है, कोई अपडेट नहीं आया है। और जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो वही होती हैं जैसी एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की होती हैं। और इनको प्रोटेक्शन भी दी गई है यहाँ पे टेन्योर की, कि ये अपना ऑफिस होल्ड करेंगे फॉर अ टर्म ऑफ 6 इयर्स, 6 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, या जब तक उनकी उम्र 65 इयर्स नहीं हो जाती, जब चाहे तब यहाँ पे रिजाइन कर सकते हैं, और उनको उनके जो बिफोर अब जो उनका एक्सपायरी ऑफ टेन्योर है उससे पहले रिजाइन कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट को लिख के।
इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 12 पे आपको सबसे नीचे एक आर्टिकल मिलता है, हम लोग आ गए हैं वर्ल्ड वाले पेज पे। ये आर्टिकल लिंक कर रहा है टेररिज्म से, बेसिकली ये केस स्टडी है, पर इस केस स्टडी को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक लंबा चौड़ा आर्टिकल है। इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए 5 पॉइंट्स। यहाँ पे एक रिपोर्टिंग और डेटा एनालिसिस जिसको और मीडिया ने किया, बात हुई कि जो सिविलियंस के अगेंस्ट जो यहाँ पे वायलेंस होता है उसको दुनिया में पहले जितने लोग एज अ नॉर्मल चीज़ लेते थे, अब उन लोगों की जो संख्या है वो हमें बढ़ती हुई नज़र आई है। यहाँ पे आप देखोगे पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि टेररिस्ट वायलेंस से अपने आप को सफ़र करवा रही हैं। खासकर आप देखोगे जो वेस्ट एशियन देश हैं, वहाँ तो टेररिज्म ने बहुत ही बड़ा आतंक क्रिएट किया हुआ। टेररिज्म आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी पूरी दुनिया की। अब देखोगे कभी पुलिस स्टेशन पर अटैक हो जाते हैं, बॉम्ब्स हो जाते हैं। अभी इंडोनेशिया के अंदर 21 लोगों ने अपनी जान खो दी। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल रिसर्च भी की गई, कुछ सोशल रिलेशनशिप के बारे में बात की गई कि यहाँ पे कुछ जो सोशल रिलेशनशिप होती है उसकी वजह से जो लोग हैं वो टेररिस्ट ग्रुप्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। देखो ये चीज़ है तो आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि कैसे टेररिस्ट ग्रुप के साथ जो यूथ होते हैं, जवान लड़के होते हैं, वो किस तरीके से गलत राह पे चले जाते हैं। उसका रीज़न है यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप। और यहाँ पे ग्लोबली बहुत सारे एफर्ट लगाए गए टेररिज्म से लड़ने के लिए, रिसर्चेज आई, प्रिवेंशन एफर्ट्स लगाए गए, पर यहाँ पे बड़ी चीज़ यही हो रही है कि जितने पैसे यहाँ पे दिए गए थे उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पे एक स्टिमसन सेंटर नाम के वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक है, उसका कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने $2.8 ट्रिलियन रुपए यहाँ पे खर्च किए थे टेररिज्म से लड़ने के लिए 2002-2016 के बीच में, पर उनमें से सिर्फ और सिर्फ $11 बिलियन ही स्पेंड किए थे वो जो वॉर जोन से उनके बाहर लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि टेररिज्म क्या होता है, कौन सी चीज़ सही होती है, गलत होती हैं। तो आपने बाहर पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, और ये बहुत थिन लाइन होती है जो क्रिएट हो जाती है। और मीडिया ने इस न्यूज़ को एनालाइज किया है, यहाँ पे बात बताया गया है कि हम लोग कितने ही पैसे यहाँ पे खर्च कर लें, पर जब तक हमारा जो टारगेट होगा वो सही लोग हो नहीं होंगे, उनका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और यहाँ पे जो नो नॉन स्टेट ग्रुप्स हैं उनको धीरे धीरे जो सिविलियंस है वो एक्सेप्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो इस तरीके की रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस का जो रेशियो है वेस्ट एशिया के अंदर 2002 के अंदर 5% था, वो बढ़ के 9% हो गया। सब सहारन अफ्रीकन रीजन में भी ये 12% से बढ़ के 14% हो गया। तो यहाँ पे जो बहुत छोटी लाइन है वो एटीट्यूड और टेररिस्ट ग्रुप के जो रिक्रूटमेंट है उनके बीच में क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे साथ में दो देशों के बारे में बात हुई जिन दो देशों ने बहुत ही बड़े बड़े स्टेप्स उठाए यहाँ पे टेररिज्म से लड़ने के लिए, और जो लोग उनके जो कंट्री के जो लोग टेररिज्म की तरफ हैं, जिनको यहाँ पे जेल हुई है, उनको उन पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, वो दो देशों का नाम है यहाँ पे जर्मनी और इंडोनेशिया। जर्मनी ने यहाँ पे एंटी रेडिकल स्ट्रेटेजीज अपनाई, जो एंटी रेडिकल बिहेवियर होता है उससे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करी, और इंडोनेशिया के अंदर लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश करी। तो बात वही है कि आपको सोशल रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ेगी, जो बिहेवियर है लोगों का उसे बदलना पड़ेगा, उनको सही मार्ग पर ले जाने के लिए उनके मन में सही चीज़ें डालनी पड़ेंगी, उनको सही चीज़ें एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। ये सबसे बड़े बड़े इशूज़ हैं। हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पे है बिजनेस वाले सेक्शन से, बात हो रही है सेबी के प्रोब्स के बारे में, सेबी प्रोब्स पोर्टफोलियो मैनेजर्स ट्रेड। तो यहाँ पे बात की, देखो पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विसेज होती क्या है। कुछ लोग होते हैं यहाँ पे जो कि कहते हैं आपसे कि आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, पर आपको कोई नॉलेज नहीं है। मुझे नॉलेज है तो आप अपने पैसे मुझे दो, मुझे थोड़ा सा कमीशन देना और मैं आपको बहुत सारा प्रॉफिट दूंगा। तो वो आपका जो पोर्टफोलियो है उसको मैनेज कर रहे हैं, आपकी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आपके मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ बड़े सवाल ये हैं कि सेबी इस चीज़ के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है कि या जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो अनड्यू बेनिफिट पहुँचा रहे हैं, वो किन्हीं चीज़ों से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ यही है कि जो हमारी सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो यही बात कर रही है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजिंग सर्विसेज है उनके बीच में क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो जिन जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एडवाइस कर रहे हैं और जिस तरीके से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं उन्हें तो डायरेक्टली बेनिफिट होता है पोर्टफोलियो मैनेजर्स का, पर यहाँ पे बात हो रही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में।
तो ये एक न्यूज थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है आरबीआई इजेस ईसीबी हेजिंग नॉर्म्स फॉर कंपनीज। तो आरबीआई ने जो हेजिंग नॉर्म्स होते हैं, हेजिंग क्या होता है, हेजिंग जो वर्ड है वो इस्तेमाल होता है किसी भी चीज से लड़ने के लिए। तो कोई भी जो रिस्क होता है उससे लड़ने के लिए हम लोग हेजिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो हमने कोई सिक्योरिटी ले ली और उस सिक्योरिटी के बाद हम लोग चाहते हैं कि वो हेज हो जाए, मतलब वो अगर डूब भी जाए तो भी हमारा पैसा बचा रहा है, तो हम उसको इंश्योर करवा लेते हैं। यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है। तो जो ट्रैक वन की जो ईसीबी फ्रेमवर्क होता है, जो हमारे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं, जो हमारे देश में जो बाहर से बोरोइंग्स ली जाती हैं, बाहर की कंपनियों से बोरिंग ली जाती है, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ट्रैक वन के अंदर मीडियम टर्म फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड ईसीबीज आती हैं, जिनकी एवरेज मैच्योरिटी 3 to 5 years के बीच में होती है। यहाँ पे जो सरकार है उसने क्या किया है, जो मैंडेटरी हेज कवरेज था जो पहले 100% था, उसको अब कम करके 70% कर दिया गया है। तो जो कॉस्ट ऑफ हेजिंग है वो पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा उछाल पी थी, क्योंकि डॉलर यहाँ पे मजबूत हो रहा था, रुपया कमज़ोर हो रहा था। उसके बाद जिस तरीके से हमारा जो रुपया है वो स्ट्रांग होना चालू हुआ है, तगड़ा होना चालू हुआ है, आरबीआई को कुछ ना कुछ तो यहाँ पे स्टेप उठाने ही थे। तो ये न्यूज़ थी यहाँ पे पेज नंबर 13 से। पेज नंबर 13 पे ही एक और न्यूज़ यहाँ पे आई है, गवर्नमेंट में मिस फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019। तो यहाँ पे एक हमारी रेटिंग एजेंसी है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, उसका ये कहना है कि इंडिया के जो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट के टारगेट हैं उसको शायद इंडिया मिस कर जाए फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर। यहाँ पे बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर जो स्लिपेज है वो 39,900 करोड़ की रहने वाली है। इंड्रा ने यहाँ पे इस चीज़ को एस्टिमेट लगाया, जो टैक्स रिवेन्यू शॉर्टफॉल है। टैक्स रिवेन्यू शॉर्टफॉल क्या होता है, जितना यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि टैक्स का रिवेन्यू उतना आएगा और जितना आया उनके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं टैक्स रिवेन्यू शॉर्टफॉल। शॉर्ट रह गया, थोड़ा कम रह गया, तो वो रहेगा 22,400 करोड़। ऐसा कहना है। और यहाँ पे बोला है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमारा एक्सपेक्टेशन से कम आएगा। साथ ही जो नॉन टैक्स रिवेन्यू होते हैं हमारे, उनसे भी जो वो होता है हमारे इनकम, वो कम आने वाली है, ऐसा पहला है। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर वो कम्युनिकेशन सर्विसेज, यहाँ पे हम लोग जो टैक्सेस लगाते हैं, सरकार जैसे इंडिया ईयरबुक भेजती है उसके जो पैसे आते हैं, वो फीस होती हैं उनके पैसे, आप लोग कोई आधार कार्ड वगैरह बनवाने जाते हो वो आपके खो जाते हैं उसके लिए जो छोटे मोटे जो फीस लगती हैं उसके पैसे, तो वो सब यहाँ पे आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर है 18, ये लाइव वाला पेज होता है। यहाँ पे बात हो रही है नासा के इनसाइट रोवर के बारे में। तो कल रात यहाँ पे नासा के इनसाइट रोवर ने सक्सेसफुली लैंड किया मार्स के ऊपर। पर उससे पहले जो फिनाले था वो बहुत ही तगड़ा रहा, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन बन रही थी, जो यहाँ पे एनवायरमेंटल सिचुएशन बन रही थी मार्स के ऊपर, रोवर अच्छी तरीके से उतरेगा या नहीं, वो एक बहुत ही बड़ा एक इवेंट था जो कि सबके सामने आया। यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। तो ये $993 मिलियन का ये पर्टिकुलर मिशन था, जिसका हमारा मेन मकसद ये है कि जो अर्थक्वेक्स और जो ट्रेमर्स होते हैं मार्स के अंदर उनको स्टडी किया जा सके, जिनके बेसिस पे हम लोग ये खोज के निकालें कि असलियत में ये दुनिया कैसे बनी और किस तरीके से मार्स बना और अर्थ भी हमारी किस तरीके से डेवलप हुई, क्योंकि इनडायरेक्ट सोर्स तो है ही है हमारा। तो ये नासा का अपने आप में पहला अटेम्प्ट है क्यूरियोसिटी रोवर के बाद, कि यहाँ पे हम लोगों ने एक रोवर भेजा है। जो क्यूरियोसिटी रोवर है वो हमने 2012 में भेजा था। देखो पूरी दुनिया में आप देखोगे 43 अटेम्प्ट्स हुए हैं आज तक मार्स के ऊपर पहुँचने थे, जिनमें से आधे से ज़्यादा तो फेल हुए हैं। ओके, इंडिया ने भी अपना मंगलयान भेजा था। तो यहाँ पे नासा इकलौती ऐसी एजेंसी है जो कि इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिशन के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। और नासा ने यह भी बोला है कि मार्स के ऊपर हम लोग ह्यूमन एक्सप्लोरर्स भी भेज देंगे, इंसानों के साथ भी हम लोग यहाँ पे मिशन भेज देंगे इन 2030। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बात हो रही है यूनेस्को की कल्चर हेरिटेज लिस्ट के बारे में, और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की रेसलिंग को साथ में कल्चर लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है। न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्थ और साउथ कोरिया ने मार्क किया एक नया स्टेप अपनी दोनों की रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि पता है कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा होता रहता है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की एजेंसी ने बोला कि हम लोग आपको अलग अलग नहीं दे सकते, आपको लेना है तो एक साथ ही ले लो। दोनों ने जो रिक्वेस्ट है वो तो अलग अलग ही डाली थी। देखो ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेसलिंग है उनकी कल्चर रेसलिंग है, जिसको सिर्रम के नाम से जानते हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर, सिर्रियम के नाम से जानते हैं यहाँ पे साउथ कोरिया के अंदर,
और ये विलेजेस के फेस्टिवल के अंदर सेलिब्रेट की जाती है कई सदियों से। ये जो स्पोर्ट है इसकी वैसी ही स्पोर्टिंग है जैसे जापानी सूमो की होती है। आपने देखे होंगे मोटे मोटे पहलवान यहाँ पे लड़ने आ जाते हैं सूमो के, पर एक डिफरेंस होता है नॉर्थ और साउथ के बीच में। देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि जो साउथ के जो रेसलर्स होते हैं वो टॉपलेस होते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं पहनते और नीचे एक शॉर्ट्स पहनते हैं, पर जो नॉर्थ के रेसलर्स होते हैं वो स्लीवलेस जैकेट्स पहनते हैं। और यहाँ पे जो मैचेस होते हैं वो दोनों में ही राउंड मैट्रेसेस में होते हैं। तो ये न्यूज़ थी आज की, मज़ेदार खबरें थी आज के न्यूज़पेपर में। बस इतना ही, कैसा लगा आपको मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। जाते जाते लाइक का बटन दबा देना, कोई भी मन में कमेंट डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके या फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम जहां पर भी मैं मिलूं वहां पे मुझसे मैसेज करके कोई भी अपने अपने सवाल पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज एंड हैव अ गुड डे अहेड।